नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट। उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने 4 और गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 2 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने के आरोप से जुड़े मामले में माल्या के अदालत में हाजिर न होने पर ये वारंट जारी किए गए हैं। इन गैर जमानती वारंटों को 29 मार्च तक तामील किया जाना है। माल्या की ओर से पेश अधिवक्ता एच सुधाकर राव ने बताया कि प्रत्येक मामला 50 लाख रुपए का चेक बाउंस होने से संबंधित है। मानहानि मामले में केजरीवाल ने किया जेटली के इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का विरोध। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा 5 अन्य के खिलाफ दीवानी मानहानि मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का आप नेताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया है। आप नेताओं ने जेटली द्वारा संयुक्त पंजीयक के वेणुगोपाल के समक्ष दाखिल सबूतों के प्रिंट आउट की स्वीकारिता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री ने भारतीय सबूत अधिनियम के अनुच्छेद 65B के तहत न तो प्रमाण पत्र पेश किए हैं और न ही अपने सबूत के समर्थन में कोई हलफनामा दाखिल किया है, अतः कार्यवाही के दौरान इन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। छगन भुजबल की गिरफ्तारी पर बवाल, राका पर नाराज। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भुजबल की गिरफ्तारी के विरोध में राकापा विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। राकापा ने भुजबल की गिरफ्तारी को भाजपा की बदले की राजनीति करार दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह ईडी के साथ सहयोग कर रहे थे। इससे पहले कांग्रेस और राकापा के विधायकों ने भुजबल की गिरफ्तारी के विरोध में विधान भवन के मुख्य द्वार की सीढ़ियों पर धरना दिया। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मायावती ने मांगा कांशीराम के लिए भारत रत्न। बसपा प्रमुख मायावती ने राज्यसभा में मंगलवार को पार्टी के संस्थापक कांशीराम को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग की। मायावती ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि कांशीराम को सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए दिए गए उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आंध्र प्रदेश में सड़क दुर्घटना में 4 मेडिकल छात्रों की मौत। विजयवाड़ा से गोल्लापुडी के करीब सोमवार देर रात एक बस पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे उसमें सवार उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 4 छात्रों की मौत हो गई जबकि 31 विद्यार्थी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि विजयवाड़ा हैदराबाद राजमार्ग पर हुए इस हादसे में बस ड्राइवर की भी मौत हो गई। विद्यार्थी एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद हैदराबाद लौट रहे थे। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।